लोकतंत्र का त्यौहार आ गया, डेमोक्रेसी का फेस्टिवल आ गया। आगामी 19 अप्रैल को पहले चरण का मतदान होना है, 26 अप्रैल को दूसरे चरण का मतदान होना है और सभी में ज़बरदस्त जोश मतदान करने को लेकर दिख रहा है। खासतौर से युवा गांव-गांव जाकर लोगों को जागरूक करते नजर आ रहे हैं कि अपने मताधिकार का प्रयोग अवश्य करें, अपनी सबसे बड़ी ताकत का प्रयोग अवश्य करें। इन तस्वीरों में आप देखिए कि किस तरह से ये सारे यूथ्स हैं और सभी लोगों को वोट देने के लिए प्रेरित कर रहे हैं। किसी ने टी शर्ट पर पेंटिंग बना रखी है, लिखा हुआ है वोट फॉर भारत, और किसी ने फेस पर पेंटिंग बना रखी है, लिखा हुआ है वोट फॉर भारत। और यकीनन ये तस्वीर बस देखते ही बनती है, हाथों में किसी ने तिरंगा बना रखा है। ज़रा क्रॉस करके ये तस्वीरें दिखाइए कि किस तरह से उत्साह यूथ में ज़बरदस्त है। 19 अप्रैल को पहले चरण का मतदान होना है, 26 अप्रैल को दूसरे चरण का मतदान होना है, मेरठ हापुड़ लोकसभा सीट के लिए 26 अप्रैल को मतदान होना है, और ये जोश बस देखते ही बनता है। और वोट फॉर भारत का भी नारा लगा दीजिए, कम ऑन, वोट फॉर भारत, वोट फॉर भारत, वोट फॉर भारत, वोट फॉर भारत, जाना है भी जाना है, वोट डालने जाना है, जाना है भी जाना है, वोट डालने जाना है, वोट फॉर भारत, वोट फॉर भारत, वोट फॉर भारत, वोट फॉर भारत, हिप हिप हुर्रे, हिप हिप हुर्रे, हिप हिप हुर्रे, भुरे वोट फॉर भारत का नारा यहाँ बुलंद हो रहा है। मैडम मैं देख रहा हूँ सभी ने टी शर्ट्स पर बहुत खूबसूरत पेंटिंग की हुई है, लिखा हुआ है वोट फॉर भारत। अपने मताधिकार का प्रयोग अवश्य करना चाहिए। आप लोग गांव-गांव जा रहे हैं और सभी वर्ग को वोट देने के लिए प्रेरित कर रहे हैं कि निकलिए घर से, परसेंटेज बढ़ाइए। जी उमेश जी, हम स्लम्स एरिया में जा रहे हैं और गाँव और कस्बों में भी जा रहे हैं, और वहाँ पर हर आयु वर्ग के, हर संप्रदाय के व्यक्ति के घर में हम जा रहे हैं, और विशेष रूप से महिलाएं जो हमारी अक्सर पीछे रह जाती है, घर के काम काज में लगी रह जाती हैं और मतदान डालने नहीं जा पाती, तो हमें उन्हें विशेष रूप से हम प्रेरित कर रहे हैं कि आप अवश्य जो है मतदान करें। और मैं देख रहा हूँ टी शर्ट्स में पेंटिंग की हुई है, बच्चों ने टी शर्ट्स में पेंटिंग की हुई है, फेस पर पेंटिंग की हुई है, तो तरह तरह से तमाम गतिविधियों से आप लोगों को जागरूक कर रहे हैं। और क्या क्या गतिविधियाँ आप लोग कर रहे हैं लोगों को जागरूक करने के लिए? क्योंकि हमारा विभाग कला का विभाग है और कला संप्रेक्षण का सीधा और सशक्त माध्यम है, तो हम अपनी कला के माध्यम से, अपनी कलाकारी से, जैसे कि आज आप देख रहे हैं ये स्टूडेंट्स ने खुद अपने हाथों से यहाँ पे मतदाता जागरूकता चित्रकारी की है, स्लोगन्स लिखे हैं, इसके अतिरिक्त पोस्टर, स्लोगन्स, रंगोली और आपका नुक्कड़ नाटक, रैलियां हमने निकाली हैं, घर घर जाकर सर्वे हमने किया है, बहुत सार्वजनिक स्थलों पर बहुत अधिक संख्या में हमने भित्ति चित्रकारी की है, बहुत बड़े बड़े एरिया में हमने चित्रकारी की है, और लोगों को हम निरंतर मतदान के लिए आगामी 26 अप्रैल में अनिवार्य रूप से निष्पक्ष होकर मतदान के लिए हम निरंतर प्रेरित कर रहे हैं, और मेरी ये टीम, मेरे ये विद्यार्थी इसमें हमारे साथ हैं। मैंने निर्वाचन साक्षरता क्लब का गठन किया है, 10-10 विद्यार्थियों की हमारी टीम बनी हुई है जो अलग अलग क्षेत्रों में जाकर विभिन्न तरीकों से मतदाताओं को जागरूक कर रहे हैं। मानव श्रृंखला भी हमने बनाई है, जी जी मानव श्रृंखला बनाकर भी, श्रृंखला बनाई, वॉल पेंटिंग बनाई, फेस पेंटिंग बनाई, टी शर्ट पर पेंटिंग हो गई, तरह तरह से आप लोगों को जागरूक कर रहे हैं। कितनी खूबसूरत पेंटिंग देखिए इस छात्र ने बनाई हुई है, लिखा हुआ है वोट, और स्याही का निशान भी नज़र आ रहा है कि आप वोट अवश्य करें। फेस पेंटिंग के माध्यम से लोगों को जागरूक कर रहे हैं ये स्टूडेंट्स, ललित कला विभाग चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय मेरठ के ये सभी स्टूडेंट्स हैं, और सभी का जोश बस देखते ही बनता है। और यकीनन लिखा हुआ है देश से है प्यार तो चुनो सही सरकार, किसी ने अपने पोस्टर बैनर्स में लिखा हुआ है वन वोट लेस सफर फॉर रेस्ट, लिखा हुआ है सही नागरिक की है पहचान, सबसे पहले करो मतदान। आप भी अपना पोस्टर दिखाइए, क्या लिखा हुआ है, क्या हम पैसे लेकर अपनी माँ को गलत हाथों में सौंप सकते हैं, ज़रा सोचिए भारत भी तो हमारी माँ है। ऐसे ही अलग अलग पोस्टर्स लेकर के ये स्टूडेंट्स गांव-गांव जाते हैं, स्लम्स में जाते हैं, और सभी को वोट देने के लिए प्रेरित करते हैं, वोट देने के लिए मोटिवेट करते हैं। एक वोट से होती है चोट, जीत हार इसको ना करो बेकार, वोट है ताकत। टी शर्ट्स में किस तरह से लोगों ने अपनी भावनाओं का इजहार किया है,
और सभी से वोट देने के लिए प्रेरित कर रहे हैं। यह हम सीधा इन तस्वीरों में देख सकते हैं और गजब का उत्साह इन स्टूडेंट्स में देखने को मिल रहा है। मैडम, आप मैं देख रहा हूँ कि अलग अलग पोस्टर्स के माध्यम से, फेस पेंटिंग के माध्यम से, अलग अलग गतिविधियों से सभी को वोट देने के लिए ये छात्र छात्राएं प्रेरित कर रहे हैं, ये मिसाल है। जी, माननीय जिलाधिकारी हमारे महोदय जो हैं दीपक मीणा जी, निर्वाचन अधिकारी हैं, मुख्य निर्वाचन अधिकारी, और नुपुर गोयल जी जो मुख्य विकास अधिकारी हैं, वो समय समय पर जो हमारी मीटिंग लेती हैं, बैठक लेती हैं, वे हमें प्रेरित करती हैं। उन्हीं के आवाहन पर और माननीय कुलपति प्रोफेसर संगीता शुक्ला जी और हमारे जो कुल सचिव हैं श्री धीरेन्द्र वर्मा जी, उनके दिशा निर्देशन में मैं यहाँ पर निरंतर अपने स्टूडेंट्स के साथ इस प्रकार के आयोजन कराती आ रही हूँ। हम जनवरी से ही हमने यहाँ पर कराते आ रहे हैं, और वैसे पिछले 14 वर्षों से जब भी ये घोषणा हुई थी कि राष्ट्रीय मतदाता दिवस मनाया जाएगा, तो हमने बहुत बड़े स्तर पर हम ये कार्यक्रम करते आ रहे हैं। चुनाव तो हर साल नहीं होता, लेकिन हमारी ये जागरूकता कार्यक्रम हर साल महीनों चलता है। जागरूकता कार्यक्रम महीनों चलता है। आपने फेस पे बड़ी खूबसूरत सी पेंटिंग बना रखी है, लिखा हुआ है वोट फॉर भारत, तो अपनी भावनाओं को इजहार कर रही हैं फेस पेंटिंग के माध्यम से, और गाँव-गाँव भी ऐसे ही पेंट करके फेस को जाती हैं। आप लोग कैसे कैसे अभियान चलाते हैं? तरह तरह की रैलियाँ निकालते हैं, वॉल पेंटिंग्स करते हैं, पोस्टर, निबंध प्रतियोगिता, ये सब करके वोट डालने जाते हैं। क्या समझाते हैं ऐसे, मान लीजिए कि आप किसी ग्रामीण इलाके में गए, किसी गांव में गए, और यही कहते हैं भाई एक वोट की कितनी ताकत होती है, एक वोट से क्या नहीं हो सकता है, परसेंटेज को बढ़ाना है और पोलिंग बूथ तक अवश्य जाना। यस सर, परसेंटेज को बढ़ाना है, और मैं जागरूक करूंगी कि सब वोट डालने जाए, सब ज़्यादातर महिला। फर्स्ट टाइम वोटर कितने लोग हैं यहाँ पर, पहली बार जो मतदान करने के लिए आप लोग जा रहे हैं इसमें कितने लोग हैं? आप फर्स्ट टाइम वोट देने के लिए जाएंगे तो फर्स्ट टाइम वोट देने का जो उत्साह होता है वो बिल्कुल अलग होता है कि आप ईवीएम के सामने खड़े होंगे और सारे निशान आप देखेंगे, अपने कैंडिडेट्स के नाम आप देखेंगे, उसके बाद आप ईवीएम में बटन दबाएंगे, ये अनुभव अपने आप में लेने के लिए आप लोग तैयार हैं? यस सर, मैं ये अनुभव लेने के लिए, और मेरा ये फर्स्ट टाइम है वोट डालने का। आपको मालूम है कि हापुड़ लोकसभा सीट के कौन कौन से कैंडिडेट्स हैं, और उस पर आप लोग देख रहे हैं, समाचारों में भी देख रहे हैं, अखबारों में भी पढ़ रहे हैं, कहाँ क्या चल रहा है, सब कुछ अपना जहन बना रहे हैं? यस सर, मैं सर न्यूज़पेपर में देख रही हूँ, न्यूज़ वगैरह में देख रही हूँ, सारे मोबाइल्स वगैरह पे न्यूज़ आ रही है वोट डालने के लिए। वादे और सबके दावों को भी समझ रहे हैं कि कौन क्या दावे कर रहा है, कौन क्या वादे कर रहा है, किसके दावे में कितना दम है। यस सर, यस सर। आप क्या कहेंगे वोट कास्ट करने के लिए, कितना आप उत्साहित हैं? बहुत खूबसूरत आपने पेंट कर रखा है फेस पर, और आपने उंगली का निशान भी दिखाया हुआ है, तो बहुत खुशी मिल रही है कि हम एक नेक कार्य के लिए जुटे हुए हैं। थोड़ा सा आगे आइए और ये बताइए कि इस आयोजन को करने में, इस कार्य को करने में, लोगों को मोटिवेट करने में आपकी भी एक भूमिका है, खुशी मिलती है कि हम कुछ कर पा रहे हैं देश के लिए? जी सर, मिलती है खुशी, और हमें सबसे ज़्यादा खुशी जब मिलती है कि जब हम सही मतदान सही उसको दें और हमारी सही वोट जाए। और मेरा जहाँ तक मानना है कि हम लोगों की अभी जो ये मतलब सभी के जो आजकल वोट है फर्स्ट टाइम देने वाले हैं, तो मैं चाहता हूँ कि वोट सही जगह जाए और सही सरकार बने और हमारे भारत में फिर से उनके वोट डालने के लिए जाएंगे। आपके जहन में क्या रहेगा जब आप मतदान करने के लिए पहुँचेंगे, ईवीएम के सामने पहुँचेंगे, तो आपके जहन में क्या चल रहा होगा कि हमें कैसा कैंडिडेट चुनना है, कैसी सरकार चुननी? जी सर, ये तो बहुत ही कन्फ्यूज़ वाला सवाल है कि हम कहाँ और कैसे चुने, बट हम लोग इससे ज़रूर प्रेरित होते हैं कि हमने पहले से भी बहुत कुछ देखा है कि पहले सरकार ने कितना कुछ किया हुआ है हमारे लिए, तो उसको देख के अगर जो पहले से सोचे तो हमारे लिए वो ज़्यादा अच्छा होगा, और हम सही चुन सकते हैं, ये हमारा ऊपर फैसला अपने ऊपर रहता है। और वहाँ पर हम अगर फर्स्ट टाइम वोट दे देते हैं और उसी से ही हमारी एक वोट से ही हम जीत भी सकते हैं और उस इलेक्शन में अपने आने वाले फ्यूचर को भी अच्छे से सिक्योर कर सकते हैं, तमाम बातें रहती हैं। आप भी फर्स्ट टाइम वोट डालने के लिए जा रहे हैं और 26 अप्रैल को मेरठ सीट के लिए मतदान होना है, एक्साइटेड हैं कि हाँ वोट देने का समय आ गया और ईवीएम के सामने खड़ा होने का समय आ गया, बटन दबाने का समय आ गया? हाँ, मैं बहुत एक्साइटेड हूँ वोट डालने के लिए। सोच करके वोट डालेंगे आप, युवाओं के जहन में क्या चल रहा है, क्या होना चाहिए देश में कि एक अच्छी सरकार आए और हमारे देश को एक अच्छा सरकार कैसी होती है जो मतलब हमारे वो अच्छे काम करे, सबको साथ लेके चले, किसी में भेदभाव ना करे। अच्छी सरकार चुनेंगे, क्या कहेंगे आप? टी शर्ट पर बहुत अच्छा आपने पेंट कर रखा है, वोट फॉर भारत लिख रखा है, बहुत खुशी होती है कि हम कुछ अपनी हिस्सेदारी दे पा रहे हैं, एक भूमिका अदा कर पा रहे हैं, और अब जबकि मतदान की तारीख बस आ ही गई, चंद दिन शेष रह गए हैं, तो यू आर फीलिंग वेरी एक्साइटेड, और क्या सोचते हैं अपने देश के लिए, देश के भविष्य के लिए कैसी सरकार होनी चाहिए? सर, हम ये सोचते हैं कि हमारा
एक उंगली पे हम अपने पूरे देश की काया पलट सकते हैं, सिर्फ एक उंगली की पावर से। अच्छा। हमें बस उस उंगली का सही इस्तेमाल करना है, हमें वो सही बटन दबाना है जिससे हमारा देश उन्नति पे चले। हमारे युवाओं के बारे में सोचे, हमारे ग्रामीण इलाकों के बारे में सोचे, हमारे पिछड़े वर्ग के बारे में सोचे और हमारे देश को उन्नति पे लेके जाए। हमें ये अपनी उंगली की पावर से दिखाना है और मैं सभी से दरखास्त करूँगा कि सभी, मेरी हाथ जोड़ के विनती है कि सभी लोग जाएँ पोलियो बूथ, वोटिंग बूथ पर, वहाँ जाकर वोट अवश्य डालें। खासकर महिलाएं, बुज़ुर्ग, जिनके लिए अभी शायद सरकार ने चलाया है कि जो 80 साल के आसपास के हैं उनके लिए घर घर जाके भी वोटिंग का वो चला, अभियान चला है। तो मैं सबसे यही कहना चाहूँगा कि अपनी वोट ज़रूर डालें, आपकी एक वोट पूरे देश की काया पलट सकती है। धन्यवाद। एक वोट पूरे देश की काया पलट सकता है, लिखा हुआ सारे काम छोड़ दो, सबसे पहले वोट दो। आप लोग भी आगे आइए और ये बताइए, टी शर्ट पर तो खूब पेंट कर रखा है, खूब पेंटिंग आप कर रही थी, हाथों में भी पेंटिंग बना रही थी, तो सभी को मोटिवेट कर रही है। इवन 90 ईयर्स का हो, 100 ईयर्स का हो, मेरठ में कई ऐसे वोटर्स हैं जिनकी आयु 100 ईयर्स के आसपास है, तो उनको भी मतदान अवश्य करना चाहिए। उसके लिए जो है बाकायदा प्रशासनिक टीम वहाँ पहुँचती है और कहती है कि भाई आप मतदान घर पर ही करें, तो वोट अवश्य डालना चाहिए। हाँ जी, वोट हमेशा डालना चाहिए, बिल्कुल जरूर। कौन से नारे लगाती है जब गाँव गाँव जाती हैं आप लोग? वोट फॉर भारत। अच्छा, नारे लगाते हुए जाती हैं गाँव गाँव। अच्छा, वेरी गुड। आप भी आगे आइए, बताइए क्या कहना चाहेंगी मताधिकार का प्रयोग करने के लिए, कैसे आप गांव-गांव जाते हैं, स्लम्स में जाते हैं, कैसे लोगों को जागरूक कर रहे हैं? हम लोग वो रैली के थ्रू, पोस्टर्स मेकिंग के थ्रू और वॉल पेंटिंग के थ्रू हम लोग सबको जागरूक कर रहे हैं और नारे भी लगाते जाते हैं। अच्छा जी, और क्या सोच रखिए, आप खुद मतदान करने जा रही हैं इस बार? तमाम वादे और दावे फिजाओं में तैर रहे हैं, राजनीतिक हवा इस वक्त बन चुकी है देश की, तो क्या सोच रहा है युवा देश का? युवा क्या सोचता है, आप लोग क्या सोचते हैं, वोट डालने जब जाएंगे तो क्या सोच करके मतदान करेंगे? कि हम अच्छी सरकार चुनेंगे और हमारे फ्यूचर होती है अच्छी सरकार जो सबका, सबको साथ में लेके चले और इंडिया जो अपनी कंट्री का डेवलपमेंट पे ध्यान दे। अच्छा, ध्यान दे, विकास होना चाहिए। इधर भी आते हैं अभिषेक जी, दिखाते हैं सभी, देखिए बच्चे यहाँ पर पोस्टर्स और बैनर्स लेकर के खड़े हुए हैं। आप क्या कहेंगी, प्रजातंत्र से नाता है, भारत के मतदाता हैं, यही मैसेज गाँव-गाँव तक पहुँचा रहे हैं आप लोग? हम लोग डिग्गी में गए थे, वहाँ पे महिलाओं से मिले, हमने सबको यही बताया, नाटक करे और नारे वगैरह लगाए, वॉल पेंटिंग करी, सबको यही बताया गया कि वोट देना हमारी राइट ही नहीं, हमारी इस बार जी पहली बार वोट डालेंगे, इससे पहले डाल चुके? पहली बार वोट देंगे। पहली बार के लिए कितना एक्साइटमेंट है वोट डालने के लिए? अभी तो 100% एक्साइटमेंट है और हमारे विश्वविद्यालय भी हमें सामाजिक कार्य से जोड़कर वोट डालेंगे। क्या जहन में क्या रहेगा आपके, दिलो दिमाग में क्या चल रहा है आजकल, क्योंकि आजकल तो तमाम नेता जो है सब सड़क पर ही नजर आ रहे हैं, है ना, तो नेताजी सड़क पर हैं, तो क्या क्या वादे कर रहे हैं, सबके वादे और दावे आप सुन रहे हैं और फिर फैसला करेंगे? जी, वोट देना हमारी राइट ही नहीं, हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, एक वोट बहुत महत्वपूर्ण है और सही चुनावी सही भविष्य है। ठीक है, आप क्या कहेंगे, वोट लिखा हुआ है, अपने लिए वोट करें, बहुत अच्छी बात है, हम वोट करते हैं तो अपने लिए करते हैं, अपने भविष्य के लिए करते हैं, अपने देश के लिए करते हैं, क्या कहेंगे? सर, मैं ये चाहता हूँ कि सारे के सारे वोट देने चाहे। मैंने ये देखा है कि शहर में बहुत लोग वोट देने चले जाते हैं पर गाँव के जो औरत होती है वो देने नहीं जा पाती है वोट, उनको इतना कुछ पता नहीं रहता और घर के काम वाम में लगे। तो आज भी घूंघट में लोकतंत्र नजर आता है, नहीं? यस सर, मैंने देखा है बहुत सर, गांव की औरत नहीं जा पाती है, इसलिए हम डिग्गी एरिया में गए, शहर गांव के इलाके में गए, हमने लोगों को जागरूक करा कि वोट देने चाहिए और बहुत से ऐसे ऐसे पेंटिंग और टी शर्ट पे पेंटिंग, फेस पेंटिंग, टैटू जागरूक कर रहे हैं। आप क्या कहेंगी, आपका वोट आपकी आवाज़ है, आपकी ताकत है, सबका भरोसा है कि हमारा भरोसा हमारी सरकार होती है, हम सरकार चुनने के लिए जब जाते हैं तो हमारी भी जिम्मेदारी बनती है कि यस आई एम ऑल्सो यू नो नागरिक हैं इस देश के, तो हमें अपनी जिम्मेदारी का एहसास होना चाहिए। जय हिंद सर, मुझे ऐसा लगता है कि हम अपनी एक वोट डालकर अपने देश के लिए अपना फ्यूचर जो है वो सिक्योर कर सकते हैं। हमें सबसे पहले वोट डालने से पहले ये देखना होगा कि सरकार कैसी है, क्या वर्क कर रही है। हम स्टूडेंट हैं तो हमें देखना होगा एजुकेशन पर कितना वर्क हो रहा है, जॉब्स को लेकर कितना वर्क हो रहा है, हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर क्या है, कितना डेवलपमेंट है, हमें सारी चीज़ें देखनी है। हमारा देश पहले कहाँ था और आज हमारा देश कहाँ पर है, तो किसी के भी दबाव में आकर, किसी के भी बोलने पर, किसी भी लालच के थ्रू हमें किसी को भी वोट नहीं देनी है।
आप पहले वर्क देखिए, आप सारी पार्टीज को देखिए, जो अच्छे हैं आप उन लोगों को ऐसे वोट दीजिए, वोट दीजिए। मैडम आप क्या कहेंगी, सच्चे नागरिक बने, अपना वोट डालें, गांव-गांव जाकर यही मैसेज दे रहे हैं आप लोग? हाँ जी सर, मैं दूसरी बार वोट डाल रही हूँ, मैं अपने साथ साथ दूसरों को भी उत्साहित कर रही हूँ जी सर, और हर एक वोट ज़रूरी होता है। तो पहली बार जब वोट डाला था तो क्या सोच के डाला था, और इस बार जब वोट डालने जाएंगे तो क्या सोच के डाल रही? आप बताइए क्या कहेंगी जी। हाँ, मेरा मानना ये है कि जैसे हर जैसे हमारा अपने देश के प्रति कुछ कर्तव्य होता है, हमारा जो ड्यूटी है हमारे देश के प्रति, उसका सबसे पहली ड्यूटी ये है कि हमें वोट करना चाहिए, जिससे हम एक ऐसी सरकार चुन सकें जो हमारे लिए, हमारे देश की प्रगति के लिए काम कर सके। तो आपने देखा कि किस तरह से ये सभी स्टूडेंट्स हैं, चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय ललित कला विभाग के विद्यार्थी हैं, और सभी स्टूडेंट्स एक सुर में यही कह रहे हैं कि आपका वोट आपकी ताकत है, अपने लिए मतदान करें, देश के लिए मतदान करें। न्यूज़ 18 भी आप सभी से यही अपील कर रहा है कि जब भी आपके क्षेत्र में वोट पड़ना हो, आप वोट कास्ट अवश्य करें और अपनी जिम्मेदारी निभाएं। कैमरा पर्सन अभिषेक शर्मा के साथ उमेश श्रीवास्तव, न्यूज़ 18 मेरठ।